उत्तराखंड कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड कैबिनेट में 3 प्रस्ताव मंजूर। वी चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोज रोजगार योजना में बड़ा बदलाव है। होटल बनाने और गाड़ी खरीदने पर लोन में छूट बढ़ी। अब इलेक्ट्रिक बस खरीदने में 50% तक सब्सिडी मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने डिम्ड वन की परिभाषा तय की। अब 5 हेक्टेयर माना जाएगा डिम्ड वन क्षेत्र। पहले 10 हेक्टेयर से अधिक को डिम्ड वन क्षेत्र माना जाता था। एडवेंचर समिट 2022 के लिए टूर नॉलेज पर्यटन तय। देहरादून में रावत सरकार की कैबिनेट हुई जिसमें 3 प्रस्ताव पास हुए। तीनों प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है जिसमें वन की परिभाषा तय की गई है। अब 10 हेक्टेयर की जगह 5 हेक्टेयर वन माना जाएगा। जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी विनाश अधिनियम दर्ज रिकॉर्ड को वन माना जाएगा। पेड़ों का घनत्व 60 से घटाकर 40% किया गया है। फल फूल की उद्यान प्रजाति वन से बाहर होगी। इसके साथ ही बस में पर्यटन का प्रचार जरूरी होगा। इतना ही नहीं, देहरादून एडवेंचर टूर समिट 2 का आयोजन होगा जिसमें नॉलेज पर्यटन तय किया जाएगा। इसमें फिक्की और एडवेंचर टूर ऑपरेशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का साथ मिलेगा। तो आपको बता दें, देहरादून कैबिनेट से बड़ी खबर है। तो हमारे सहयोगी अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, जिस तरीके से ये 3 प्रस्ताव मंजूर किया गया, तो इससे आम जनता को कोई राहत मिलेगी क्या? अभिषेक, जो देर रात राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है, 3 अहम प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। सबसे अहम जो प्रस्ताव है वो वन की नई परिभाषा तय की गई है जिसमें पहले 10 हेक्टेयर माना जाता था, अब 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भी वन की परिधि में लाया गया है, उसको भी फॉरेस्ट माना जाएगा। इसके अलावा जो जमींदारी और गैर जमींदारी विनाश अधिनियम में दर्ज रिकॉर्ड है उसको वन का दर्जा दिया गया है, वो वन माना जाएगा। और पेड़ों का घनत्व पहले 60 माना जाता था, अब उसको 40% किया गया है। अगर किसी क्षेत्र विशेष में 40% भी वन नजर आता है तो उसको वन का दर्जा दिया गया है। साथ ही फल फूल की उद्यान प्रजाति को वन क्षेत्र से बाहर किया गया है। ये अहम प्रस्ताव है जिसमें नए वन की परिभाषा तय की गई है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70% से ज्यादा उत्तराखंड में वन भूमि है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका खासा फायदा जो आम हक हकूकधारी हैं उनको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सीधे तौर पर अगर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात की जाए तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 2002 नियमावली में संशोधन किया है राज्य सरकार ने, जिसके तहत जो भी बेरोजगार युवा है अगर वो इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करते हैं तो 50% या 15 लाख तक की सहायता उनको राज्य सरकार देगी। लेकिन इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया है कि इन बसों के माध्यम से पर्यटन विभाग का प्रचार करना जरूरी होगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एडवेंचर टूर समिट 2 का आयोजन करने पर हामी भरी है जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। इसके लिए नॉलेज पार्टनर तय किए गए हैं। फिक्की और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसमें उत्तराखंड सरकार के साथ चलेगा। साथ ही 25 लाख और 10 लाख का प्रबंधन शुल्क इसमें तय किया गया है। वहीं नॉलेज पार्टनर के लिए 30 लाख का रोड शो करने को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। अभिषेक, ये पूरा 3 जी अजीत, अगर जिस तरीके से देखा जाए 5 हेक्टेयर को अब डिम्ड वन क्षेत्र माना जाएगा, तो क्या ऐसे में सरकार जो लगातार पेड़ कट रहे हैं तो ऐसे में वन संरक्षण के लिए सरकार ने फैसला लिया है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में वनों को लेकर सरकार गंभीर नजर आती है और यहाँ पर आम जनमानस भी वन भूमि को लेकर काफी गंभीरता से अपना काम करते हैं। ऐसे में सरकार ने वन की नई परिभाषा तय की है। पहले जहाँ 10 हेक्टेयर को वन माना जाता था वहीं अब इसकी सीमा घटाकर 5 हेक्टेयर की गई है। सीधे तौर पर सरकार का फैसला है कि पेड़ों का जो अवैध कटान है या इलीगल तरीके से जो पेड़ों की कटाई होती है उसको संरक्षित किया जाए और 5 हेक्टेयर तक भी अगर वन नजर आते हैं तो उनको सीधे तौर पर वन माना जाएगा और उससे अलग हटकर कोई भी नई परिभाषा नहीं होगी। जी अजीत, वहीं देखा जाए तो एडवेंचर समिट 2022 के लिए टूर नॉलेज पार्क तय हो गया है, तो ऐसे में जो टूर नॉलेज पार्क है उसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एडवेंचर टूर समिट जो टूर है उसका आयोजन यहाँ पर राज्य सरकार करने जा रही है और नॉलेज पार्टनर यहाँ पर सरकार ने तय किए हैं। सरकार की कोशिश है कि उत्तराखंड को पर्यटन डेस्टिनेशन बनाने के साथ ही एडवेंचर डेस्टिनेशन भी बनाया जाए जहाँ पर लोग आए और साहसिक खेलों का प्रशिक्षण भी ले और यहाँ पर साहसिक खेलों का वो लुत्फ उठाए। तो सरकार ने इसके लिए नॉलेज पार्टनर तय किए हैं। फिक्की और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इसमें साथ जोड़ा गया है। इनके माध्यम से सरकार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी एडवेंचर टूर समिट का। साथ ही 25 लाख और 10 लाख का प्रबंधन शुल्क रखा गया है। वहीं नॉलेज पार्टनर के लिए सरकार ने तैयारी की है 30 लाख तक का रोड शो कराने की जिसके माध्यम से ज्यादा लोगों को उत्तराखंड की तरफ आकर्षित किया जाए। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।